पवित्रता की परिभाषा है न तन की न मन की, शक्ति छीन होने पावे। अगर तन की शक्ति छीन हुई, पतन में जाती है, नाली में चली जाती है, तो अपवित्र है या पवित्र है? है अपवित्र है। और तन या तन की इंद्रियां पहले अपवित्र होती हैं या मन अपवित्र होता है? पहले मन पहले अपवित्र होता है, तो मन की अपवित्रता है। मन पहले गड्ढे में जाता है, फिर इंद्रियों को गड्ढे में ले जाता है। मन भी अपवित्र है और तन भी अपवित्र। जिसका मन अपवित्र हो जाता है तो वो मन बुद्धि के कंट्रोल में हुआ या नहीं हुआ? है नहीं हुआ। ऐसा मन जो धन कमावेगा वो धन अपवित्र कमावेगा या पवित्र धन कमावेगा? अपवित्र ही कमावेगा। तो तन भी अपवित्र, मन भी अपवित्र और धन भी अपवित्र। धन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा, तन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा और मन भी अपवित्र होता रहेगा। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे, दैहिक संकल्प आते रहेंगे। तो पवित्र माना है? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पवित्र अच्युतम कहते हैं।